नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। और मैं हूं कुलदीप सिंह पठानिया। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देहरादून पहुंचे, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। बता दें, निशंक के देहरादून पहुंचने से सीएम पद की लगने लगी है अटकलें। तो निशंक को सीएम और पुष्कर धामी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों ही साधेंगे। निशंक ब्राह्मण है और गढ़वाल मंडल से है, धामी ठाकुर है और कुमाऊं मंडल से है। निशंक को सीएम बनाए जाने पर बलूनी भी ऐतराज नहीं करेंगे। तो सीएम पद को लेकर जो असमंजस चल रहा है, जब से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, जो असमंजस है वो कहीं ना कहीं आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में जो सियासी उठा पटक दिख रही है उसको लेकर आज जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है 10 बजे से, उसको लेकर यह बड़ी खबर। तो सीएम रेस में निशंक रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हरिद्वार से आपको बता दें, बीजेपी सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक। 2009 से 2011 तक उत्तराखंड की कमान संभाल चुके हैं। हालांकि पूरा टर्म उनका भी नहीं हुआ। साल 1991 से लेकर 2012 तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। 1991 में पहली बार कर्णप्रयाग से विधायक चुने गए, गढ़वाल मंडल से वो आते हैं, मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो सेंटर में है। लेकिन अब ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, इसमें रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड ये भी पहुंचने को है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं और बल्कि बहुत करीबी तरीके से कहा जा रहा है कि निशंक फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पुष्कर धामी डिप्टी सीएम हो सकते हैं और उत्तराखंड का जो जातीय समीकरण है उसको साधने की भी इन दोनों पदों से कोशिश हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर तादाद उत्तराखंड में ब्राह्मणों की ठाकुरों की ये मानी जाती है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर। और अब ये समझ आ रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। तो देहरादून में बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक है। थोड़ी देर में होगी बीजेपी विधायक दल की यह बैठक। बैठक में सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और इसके बाद से यह असमंजस शुरू हो गया और अब सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है बैठक में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक शुरू हो जाएगी। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद जब वो वापस पहुंचे, फिर इस्तीफा जब उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है, उसके बाद से कयास लगाने शुरू हो गए कि किसका नाम हो सकता है जो सीएम पद के लिए सामने आएगा। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड में सियासी प्रयोग करती रही हैं। शुरुआत से ही ऐसा देखा गया है, उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसका नाम सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की आज ये जो बैठक शुरू हो रही है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए, फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट इस वक्त की? बिल्कुल, आप ये पूरी बहमा-बहमी देख रहे हैं। तो सर, सबसे बड़ी बात है, इस वक्त धन सिंह रावत पहुंचे हैं। धन सिंह रावत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धन सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सियासत इस वक्त कौन सी करवट लेगी किसी को नहीं मालूम। लगातार कल थोड़े से जहां लगातार रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे थे, लेकिन शाम होते होते कई नाम और आने लगे। और अब अगर आज की सुबह की बात करें तो आज की सुबह बदली का दृश्य नजर आ रही है। आज जहां निशंक का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, निशंक बलूनी धन सिंह रावत को तमाम नाम है अभी भी सुर्खियों में। लेकिन मुझे लगता है बस अब कुछ देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और तस्वीर लगभग आधे से एक घंटे में पूरी साफ हो जाएगी कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। सबसे बड़ी चुनौती नाम का ऐलान बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन उस नाम पर सहमति हो ये ऊपर की नहीं और पूरी जो है माथापच्ची चलाई है कि लेकर के जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है रमन सिंह गौतम, वो तमाम लोग अलग अलग तरीके से जो विधायकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमसे सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा नाम खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो 2022 के लिए विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती हो,
पार्टी का चेहरा बन सके और कम से कम जो डैमेज है उसे कंट्रोल कर सके। तो अब इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ अब किसका नाम सामने आता है ये देखने वाली बात है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि अगर आपको पूरी पॉलिटिक्स को खत्म करना है तो आपको किसी एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाना होगा जो अलग कैंडिडेट हो। यही वजह है या चालक जो है मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सबसे आगे चल रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अनिल बलूनी का नाम भी लगातार चर्चा में है लेकिन अनिल बलूनी का जो हेल्थ खर्चा है उसकी वजह से थोड़ा सा उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये पब्लिक एक्सेप्टेंस की अगर बात करें अगर सभी विधायकों या पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस की बात करें तो निशंक सबसे मजबूत चेहरा बन करके यहाँ पर गए हो सबसे किसी की वजह भी है। अच्छा ब्रिजेश जी आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे सवाल लेना चाहेंगे। आमिर आपसे जानना चाहेंगे कि ये अब जो नया समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है रमेश पोखरियाल निशंक ब्राह्मण चेहरा और पुष्कर धामी जो कि ठाकुर चेहरा है और इन्हीं की तादाद सूबे में पहाड़ी राज्यों में मैदानी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा है लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिन चेहरों का कयास मीडिया लगाता है उससे बिल्कुल इतर जो सेंट्रल हाईकमान है कोई और ही चेहरा पेश करती है तो कोई फायर ब्रांड चेहरा भी हो सकता है जो एग्रेसिव तरीके से अगले एक साल काम करे। ब्रिजेश जी सवाल आपसे। ब्रिजेश जी आपको आवाज पहुंच रही है? जी ब्रिजेश जी मैं ये जानना चाहूंगा जाति समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है रमेश पोखरियाल निशंक ब्राह्मण चेहरा और धामी साहब ठाकुर चेहरा और मैदानी इलाकों की बात छोड़ दी जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा जाति समीकरण यही है लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि मीडिया जो कयास लगाता है उसको दरकिनार करते हुए सेंट्रल हाईकमान जो है एक नया चेहरा पेश कर देता है। ये खासियत रही है भारतीय जनता पार्टी की तो कोई ऐसा फायर ब्रांड चेहरा अब अगले साल में उतर कर आ सकता है जो अग्रेसिव तरीके से अगले एक साल की सियासत को साधे। बिल्कुल तो देखिए पहले कैसे बताया जाए बहुत सारे विधायकों को ये नहीं मालूम है कि आखिर अगला चेहरा कौन होगा। आप देखिए बैठक शुरू होने वाली है तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम विधायक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा जबकि विधायक दल की बैठक होने जा रही है और विधायक दल में यह तय होना चाहिए कि आप कौन होगा मुख्यमंत्री लेकिन सबसे बड़ी बात है सबसे असमंजस की स्थिति हम केवल नहीं है केवल बल्कि जो विधायक हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसके सिर ताज होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये जो कसमका है रस्ता कसी ये खत्म नहीं होने वाली और जहां तक सही बात अभी आप बात कर रहे थे मीडिया के स्पेकुलेशन को लेकर के रिमर्स को लेकर के तो सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार एक स्ट्रेटजिकली भी प्लान किए हैं कुछ नाम नाम को लेकर अगर सुर्खी हो गई आप देखिए सांसद राजमाता यहाँ पर आप ये देखिए सांसद टिहरी यहाँ पर पहुंची हुई है मंत्री सभी के यहाँ पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देखिए आप यहाँ पर इस वक्त सांसद टिहरी पहुंची है और ये देखिए ये तस्वीर देखिए जिस वक्त सांसद पहुंची है बिल्कुल तो देखिए और यहाँ पर सभी के आने का सिलसिला यहाँ पर
लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, बस अब से कुछ देर के अंदर, शायद 10 मिनट के अंदर सरदार दल की बैठक शुरू होने वाली। अब देखिए, अगर मैं आपको सामने की तस्वीर दिखाऊं, एक के बाद एक विधायकों के, मंत्रियों का, सांसदों का आने का सिलसिला आज लगातार जारी है। आप विधायक, आप देखिए कुछ और विधायक भी पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए सर, कौन होगा? 15 मिनट बाद कोई सांसद होगा या विधायक होगा, कौन होगा? सर, कुछ ध्यान दिए क्या? बिल्कुल। तो आप देखिए, आधे घंटे बाद ये कहना है, आधे घंटे बाद तय होगा। सब सभी को मालूम है कि आधे घंटे बाद नाम का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद अब अगली जो इस बार कमेटर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया, लेकिन सबकी सहमति उस पर बन पाती है कि नहीं। उसके बाद एक और बड़ी अजीहत और मुसीबत बाकी है कि आखिर कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि अब अपेक्षाओं की कोई इंतहा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, सबको मालूम है ये आखिरी चोट है। मैं एक साल का वक्त बचा है चुनाव का, और अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है, नाखुशी होगी और नाखुशी पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल रास्ता कसी मुख्यमंत्री नाम पर कर रही है, क्या विधायक दल की बैठक में किसका प्रस्ताव आएगा, किसके नाम पर अनुमोदन होगा, ये पूरी जो कयास है ये चल रहे हैं। उस बीच में विधायकों के आने का सिलसिला देखिए लगातार जारी है, एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं। सर, कौन होगा मुख्यमंत्री? आप लोग की पसंद होगा, विधायक होगा, विधायक दल की बैठक में तय होता है मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा? हम लोगों ने फैसला किया है ना, वही हाईकमांड करेगा, वही हाईकमांड करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो विधायकों ने फैसला किया है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अब हाईकमांड के पाले में गेम है। ठीक है ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ और चर्चा के लिए। आप नेता रत्नेश मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए चर्चा के लिए। सबसे पहले चलेंगे आप नेता रत्नेश मिश्रा के पास, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको, जो ये बैठक शुरू हो रही है, आधे घंटे बाद नाम का ऐलान हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, रत्नेश जी आपके पास वापस लौटेंगे, ब्रजेश क्या आप लोग तय करेंगे या जो है? बिल्कुल। तो देखिए, ठीक है ब्रजेश, आप जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आधे घंटे में नया नाम सामने आ जाएगा, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम चला और पिछले 2 सालों से विरोध के स्वर लगातार उठ रहे थे लेकिन ये सामने नहीं आए थे, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सीएम त्रिवेंद्र रावत जो उस वक्त अब नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं, वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये आपसे समझना चाहेंगे, गैरसैंण को नई डिवीजन बनाकर कितना बड़ा जोखिम लिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कुमाऊं के मिला के डिवीजन जो बनाया गया गैरसैंण को बना दिया गया, और कुमाऊं के विधायकों में एक साथ उसका रोष पनपा। चलिए फिलहाल उनके पास चलेंगे। तो सीएम की रेस में कौन कौन है? उत्तराखंड के प्रदेश प्रमुख रह चुके अजय भट्ट, जो फिलहाल नैनीताल से सांसद हैं, 2012 से 2017 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। अजय भट्ट को केंद्रीय नेतृत्व का नजदीकी भी माना जाता है। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े जानना चाहेंगे। चलिए फिलहाल ब्रजेश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जोड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको न्यूज वन इंडिया पर अपडेट दे रहे हैं पल पल की क्या कुछ चल रहा है देहरादून में। इस वक्त तमाम आला नेता यहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। अभी ताजा तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, टिहरी की सांसद रानी साहिबा वहां पहुंच चुकी है, तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे की दूरी और उसके बाद वो नाम सामने आ जाएगा जिसको लेकर लगातार मीडिया कयास लगा रहा था। और अब नए नाम में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में नए चेहरे फिर से सामने आ रहे हैं। तो कल से, या यूं कहें कि पिछले 4-6 दिनों से, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी आपसे समझना चाहेंगे,
ये समझना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, विरोध के स्वर जरूर उठते थे लेकिन खुलकर विरोध के स्वर नहीं उठे, और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, एक और मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तो क्या समझा जाए कि जो गैरसैंण जो आखिरी बिंदु है गैरसैंण को जो डिवीजन बनाया गया, दिखा देता हूं। हाँ जी, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे आपके। तो अब देखिए कौन आया है, अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कब जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कब पहुंचेंगे, उनको लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है, रमेश का लेकर इंतजार किया जा रहा है। आप जरा ये देखिए, यहाँ पर आप ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि आखिर कौन यहाँ पर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम जिस तेजी के साथ उठ रहा है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब इस वक्त पसोपेश से पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा करके रखे थे कि उनके नाम का लेकर के कुछ ऐलान हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे होंगे, जिनकी उम्मीदें जिनके नाम मीडिया की सुर्खियों में रहे वो रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त, आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त अजय भट्ट पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, अजय भट्ट इस वक्त पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट यहाँ पहुंचे हैं। अजय भट्ट के नाम को लेकर के भी खूब चर्चाएं रही कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। अजय भट्ट का नाम भी उसकी सुर्खियों में आया। और सबसे बड़ी बात है आप देखिए अजय भट्ट इस वक्त आपको वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अजय भट्ट इस वक्त बात कर रहे हैं। अजय भट्ट आपको उधर सुनाने अजय भट्ट क्या कह रहे हैं, अजय भट्ट देखिए उस के समर्थकों का विवर्तन कर रहे हैं। अजय भट्ट आपको जा रहे हैं सर, जब इतनी बड़ी सियासी हलचल होती है और पूरा का पूरा मीडिया का कुनबा वहां पहुंचा होता है, नेटवर्क में दिक्कत आती है, तकनीकी खामियां जरूर आती हैं, लेकिन फिर भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश इस वक्त वहीं मुख्यालय के बाहर, और लगातार नेताओं का जमावड़ा यहां अब लगता हुआ, और अब से आधे घंटे के बाद जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे हैं कि वो नाम सामने आ सकता है जिसको लेकर महज पिछले कुछ दिनों में कयास ही लगाए जा रहे थे, नए नए नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब बहुत कुछ ऐसा भी लग रहा है कि विजातीय समीकरण साधते हुए सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा सामने आएगा। अगर उसको दिमाग में रखा जाता है तो फिर दो चेहरे इस तरीके से भी बात सामने आ रही है। रमेश पोखरियाल निशंक, पहले से उन्हें एक्सपीरियंस भी, और साथ में पुष्कर धामी डिप्टी सीएम के तौर पर ये चेहरे सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल फिर से यह कहना जल्दबाजी होगा। मदन कौशिक, तस्वीरों में लगातार विधायक अंदर आते हुए, मुख्यालय में जाते हुए, और यहां पर मीडिया का अच्छा खासा कवरेज देखने को मिल रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार वहां बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि छोटा सा ये राज्य, छोटा सा ये सूबा, लेकिन इसकी सियासत बेहद दिलचस्प हो गई है, और आने वाले दिन में महज चुनावी साल है, इस साल में अगर चेहरा बदलता है तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है, अब से आधे घंटे बाद वो नाम सामने आ सकता है। नाम सामने आएगा कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, जो एक साल तक ये कुर्सी को संभालेगा, उत्तराखंड का नौवा मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा।
तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? सस्पेंस लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री सांसदों में से होगा या विधायकों में से, यह आलाकमान तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर सांसदों में से मुख्यमंत्री होगा तो अब मुकाबला निशंक और अजय भट्ट के बीच में होगा। अगर विधायकों में से मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे, डिप्टी सीएम की नई पोस्ट सर्जित की जाएगी। ये खबरें सूत्रों के हवाले से, 2017 में अजय भट्ट चुनाव नहीं हारते तो उस वक्त मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे। अजय भट्ट के हारने के बाद ही खुल गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की लॉटरी। तो बीजेपी संगठन और विधायकों के भी प्रिय है अजय भट्ट। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक भी जनता के सीधे कॉन्टेक्ट में थे। चलिए ब्रिजेश जी हमारे एसोसिएट एडिटर जो है देहरादून में ही इस वक्त मौजूद है, सीधे लाइव उनसे जुड़ते हैं। ब्रिजेश जी आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और खासतौर पर दर्शक ये समझना चाहेंगे कि अगले आधे घंटे में क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, विधायक वहां पहुंचेंगे किस तरीके से, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर प्रक्रिया को समझे तो विधायक दल की बैठक में कोई भी एक सीनियर व्यक्ति किसी एक नाम प्रस्ताव करता है, उस प्रस्ताव को लेकर अनुमोदन बाकी लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको थोड़ा सा अभी इंतजार किया जा रहा है इस वक्त जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है रमेश पोखरियाल निशंक, अभी वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि जो बैठक स्थल है वो नहीं पहुंचे हैं। आप देखिए लगातार सिर्फ इंतजार किया जा रहा है, मुझे लगता है संभवतः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संभवतः पहुंच रहे हैं। आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको वो तस्वीर जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि दरअसल यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब तो सीएम कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके, तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा देहरादून से लाइव, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, और सीधा अब ये देहरादून से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंच चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की जो विधायक दल की बैठक होनी है। सबसे ज्यादा शायद इंतजार त्रिवेंद्र रावत का भी रहा होगा, और वो पहुंच चुके हैं। कल ही उन्होंने इस्तीफा राजभवन को सौंपा है, और उसके बाद आज क्या कुछ घटनाक्रम होगा देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लगातार पल पल की अपडेट देहरादून से आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर अभी अभी कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचे। ये ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देहरादून से इस वक्त, और लगातार घटनाक्रम दिलचस्प होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ा सस्पेंस यही है, और सस्पेंस वो पूरी तरह से छट गया हो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी कोई चेहरा जिस पर पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि वो सूबे की कमान संभालेगा, एक नया पद जो पहली बार उत्तराखंड में डिप्टी सीएम का सृजित किया जा रहा है उसका भी कोई दावेदार होगा, अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जो दो नाम बढ़ चढ़कर आगे आए हैं उनमें से रमेश पोखरियाल निशंक भी है सीएम के कैंडिडेट, और इसके अलावा ब्रिजेश जी हमारे साथ वहीं देहरादून से। ब्रिजेश जी ताजा घटनाक्रम बताइए जरा। अब अगर देखें तो इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री यानी कि जो अपराध हो चुके हैं आप उसका देख चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं, और अब बस इंतजार किया जा रहा है भावी मुख्यमंत्री का। लेकिन ये अभी हम किसी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अब जो संभावनाएं हैं उसके मुताबिक रमेश पोखरियाल निशंक वो चेहरा हो सकते हैं जो उत्तराखंड की कमान संभाल सकते हैं, और बस अब इंतजार अगला जो इंतजार है वो उन्हीं का किया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री के काफिले की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला, और बस अब जो इंतजार हो रहा है वो केवल रमेश पोखरियाल निशंक का हो रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक कब पहुंचेंगे और कब ये जो सामने बैठक है वो बैठक की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग सभी पहुंच चुके हैं, सभी सांसद पहुंच चुके हैं, सभी विधायक पहुंच चुके हैं, और अब केवल रमेश पोखरियाल निशंक का इंतजार किया जा रहा है। जब वो अभी देखते मेयर देहरादून के मेयर यहां पर अभी जो है फिलहाल पहुंचे हुए हैं, तो एक के बाद एक सभी लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर चल रहा है, और अब से कुछ देर में ये पूरी बैठक शुरू होगी। जो है अब देखते मेयर साहिबा यहाँ पर पहुंची है, हम आपको पीछे और लेके चलते तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि अब से कुछ देर में रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, बतौर सांसद भी उन्हें यहाँ पर पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बतौर सांसद तो उन्हें पहुंचना ही, लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम है वो हर किसी की निगाहें लगी है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने जा रहा है। उसमें सबसे प्रबल दावेदार रमेश पोखरियाल निशंक इस समय निकल के सामने आए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, और यही वजह है कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब रमेश पोखरियाल निशंक यहां पर पहुंचेंगे। एचआरडी मिनिस्टर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक में जो सबसे बड़ी जद्दोजहद थी, तो पूरी रात अलग अलग विधायकों के खेमों से बात की गई है, अलग अलग मंत्रियों से बात की गई है। लेकिन अब देखिए, यहाँ से अगर ये आपको तस्वीरें दिख रही हो, आप तो एक के बाद एक फूटर सुनाई दे रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पर आ रहा है। यूं तो देखा जाए तो ज्यादातर जो है लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अभी रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। और वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो सबकी निगाहें इस वक्त सिर्फ इसी पर टिकी हुई है कि सब विधायक दल की बैठक शुरू होती है, सब विधायक दल का नेता चुना जाता है, और वो नेता कौन होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम है। एक तरफ से आप अगर नामों को गिनिए तो सबसे पहले नाम सुर्खियों में आया अनिल बलूनी का, धन सिंह रावत का, अजय भट्ट का, रमेश पोखरियाल निशंक का, सुरेश भट्ट का, ये तमाम नाम एक के बाद यहाँ पर सामने आए। लेकिन अभी तक हर दिन हर समय में यहाँ पर परिस्थितियां बदलती नजर आ रही है जी। देर रात के बाद ये तेजी के साथ रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चर्चा में आया, क्योंकि देखिए उनके पीछे एक वजह भी है। अगर निशंक की बात करें तो निशंक न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री है, बल्कि उत्तराखंड में हैवीवेट एक तरह से पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर वहां तक एक्सेप्टेंस की बात करें पार्टी के अंदर, तो निशंक के नाम को लेकर के है, और इसीलिए उनको सबसे ऊपर जो है आंका जा रहा है सब मुख्यमंत्री के रेस में। क्योंकि महज एक साल बचा है, विपक्ष निश्चित तौर पर मुद्दा उठाने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में इस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए कि रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है उसके हित में नहीं है। और यही वजह है कि अब आखिर में यह सोचा जा रहा है, विजय जी आपसे ये समझना चाहेंगे, जो नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई और खास तौर पर बीच बीच में जो फैसले आए, एक फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी आया, देवस्थानम बोर्ड बनाना चाहते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और उसको लेकर लगा, उसके बाद चार धाम से लेकर हरिद्वार जहां से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो पहुंचने वाले हैं, अभी साधु संतों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। यही सबसे बड़ा मैटर था। सबसे बड़ी बात यह कि देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ तमाम ऐसे फैसले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जिन फैसलों से खुद उनके विधायक, खुद उनके मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते थे, और यही वजह है कि लगातार तल्खी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस कम्युनिकेशन की जो स्थिति थी वो पार्टी के लिए जो है पार्टी के हित में नहीं थी। लगातार असंतोष बढ़ रहा था, विधायकों के कई फ्रेम केंद्रीय नेतृत्व से बाकायदा मिल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, शिकायतें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज ही मेरी कुछ विधायकों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक एसडीएम की पोस्ट से हम लोग अपने मन माफिक नहीं करा पाए इन चार सालों के दौरान। अगर अधिकारी उनके जो है मतलब चयन के आधार पर नहीं चुने जाएंगे, अगर उनकी पसंद के नहीं होंगे, तो जनता से वो काम कैसे जो है जनता का करा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, और जब मुख्यमंत्री से बार बार कहा गया तब भी जो है वो नहीं सुना गया। तो जो इस तरह की तमाम जो शिकायतें थी भूल करके, देखिए कार्डर से बंधे हुए सब कार्यकर्ता है, विधायक है, वो खुल करके तक नहीं कह रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार विधायक अपनी नाराजगी जता रहे थे जो है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ भी, और जब भी वो अपना कोई दर्द लेकर कोई बात लेकर गए कभी नहीं सुना गया। तो वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर, विधायक होने के बाद भी उनकी हैसियत उस लेवल पे नहीं थी कि वो कुछ काम करा पाती, यही नाराजगी थी। और ये कई बार अभी बात इससे पहले सितंबर में भी 18 विधायकों ने एक पत्र लिखा था चुपचाप गोपनीय, और उसने कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा देना चाहिए, अंदर 2022 से पार्टी जो है नहीं निकल पाएगी। बावजूद उसके तब भी केंद्रीय नेतृत्व ने समझाने बुझाने की कोशिश की और चीजों को मैनेज करने की कोशिश, लेकिन फिर भी स्थितियां नहीं बदली। आखिरकार अब जाकर के जब चार साल पूरे हो रहे हैं और चार दिन पहले ये हटाने का फैसला किया, 9 दिन पहले हटाने का फैसला किया गया, ये अपने आप के दुखद भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के हित में भी नहीं।
क्योंकि अब विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि चार साल अगर मुख्यमंत्री काबिल नहीं थे तो चार साल जनता के साथ धोखा क्यों किया, तो बड़े सवाल ये भी है। अब इसके जवाब दे रहे होंगे, इसीलिए अब जो चेहरा आए वो डैमेज कंट्रोल कर सके, वो भरपाई कर सके, तो चार सालों में जो पार्टी की जो क्षति हुई है उसको उसकी भरपाई कर सके, तो वो देखना होगा, वो एक बड़ी चुनौती। ठीक है, और विजय जी आपसे ये समझना चाहेंगे, अब ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है ये क्या लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार होगी या नाम पहले से तयशुदा होगा? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगभग सभी नेता आ चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक नहीं आए हैं और अब थोड़े देर में आखिर में वो पहुंचते हैं, तो महज ये औपचारिकता रह जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि विधायक दल की बैठक में विधायकों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो विधायक यहाँ पर आपके पूरे विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये, बस इंतजार ये किया जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक पहुंच जाए, लेकिन मुख्य बात ये है कि अभी इससे पहले की जो पटकथा है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट जो है, तो वो स्क्रिप्ट शुरू हो गई है, वो पटकथा शुरू हो चुकी। नमन सिंह जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है, सर्वेक्षक है, वो यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ ही दुष्यंत यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी है मौजूद है, बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संभावना इस बात की है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी पहले विधायकों से कुछ कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात होती है तो कुछ बात कहेंगे, और इस बात की पूरी संभावना है कि खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही अगले मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी करें, उन्हीं से प्रस्ताव कराया जाएगा और उसके बाद अनुमोदन बाकी जो दूसरे जो सीनियर विधायक होंगे वो उसका अनुमोदन करेंगे और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हकीकत तो यह होती है कि पहले से नाम तय कर लिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व और जो भी कॉन्फिडेंस में लेने वाले बड़े नेता हैं उनके बीच में सहमति बन चुकी है, किस नाम को लेकर के मुहर लगनी है, उस नाम को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। नाम को आगे बढ़ाने के साथ ही सभी लोग सहमति जता देंगे और अगर कुछ असहमत होते हैं तो उनको कन्विंस कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको अपेक्षित जो रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरी तरह से मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए से यहाँ पर नाम का ऐलान प्रस्ताव करके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई प्रवक्ता या कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी दे देंगे कि अगले मुख्यमंत्री का नाम कौन होने जा रहा है, कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और विजय जी ये भी समझना यहाँ बड़ा जरूरी है कि जातीय समीकरण साधना ये तो पूरे देश में होता है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि जातीय समीकरण साधते साधते साथ में जो विधायकों की नाराजगी है, तो विधायकों के बीच कोई ऐसा चर्चित चेहरा हो जो सबसे मिलता जुलता हो वो काम करेगा या फिर जातीय समीकरण काम करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम भले ही कितने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम कितनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत आज भी उसी कास्टिज फैक्टर में चलती है, सियासत आज भी अगर देखा जाए तो उसी क्षेत्रीय राजनीति में चलती है। देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के लिए कहा जाता है कि उसे किसी अपोनेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर ही अपोनेंट हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है, यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति चलती है, कुमाऊं बनाम गढ़वाल की राजनीति यहाँ पर लंबे समय से, और यही वजह है कि अगर केवल जो है एक नरेंद्र तिवारी को छोड़ दिया जाए तब तक कोई मुख्यमंत्री 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ यही उठापटक है। जैसे कोई मुख्यमंत्री बनता है दूसरे उसकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं और 5 साल का जो समय होता है उसको मुख्यमंत्री केवल अपनी सीट बचाने के लिए काम करता है। यही वजह है कि ना तो पहाड़ का विकास हो पाया और ना ही मुख्यमंत्री यहाँ पर स्थायी हो पाया, ये कसमकस है। अब सियासत की बात, जो यहाँ कास्टिंग फैक्टर यहाँ पर बैलेंस इस तरीके से किया जाता कि अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो कोशिश की जाती कि उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष राजपूत हो, लेकिन अब एक तीसरा कास्टिंग फैक्टर जिसको इस बार बीजेपी ध्यान रखेगी, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण राजपूतों के साथ एक अनुसूचित जाति एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से बीएसपी पिछले कई चुनावों में 2-4 सीटों तक यहाँ पर पहुंच चुकी है, ऐसे में दूसरे राजनीतिक दलों को यहाँ मौका नहीं है। जब आम आदमी पार्टी लगातार छेड़मारी करने की कोशिश कर रही है, बीएसपी यहाँ पे पैर पसारने की कोशिश कर रही है, ऐसे बीच में जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है उसको साधने के लिए भी बीजेपी इस बार एक और चाल चल सकती है, या तो मंत्रिमंडल में एक अनुसूचित जाति के चेहरे को शामिल कर सकती है, या फिर डिप्टी सीएम के तौर पर भी कोई अप्रत्याशित नाम सामने आ सकता है, क्योंकि कास्टिज फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी अगर बात किया जाए बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब अगर निशंक यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट्स लेंगे।
और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी भी जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता विमल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे सीधा पहले आपको लिए चलते हैं विमल सिंह जी के पास। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सियासी उठापटक चल रही है और अब से कुछ वक्त बाद वो नाम भी सामने आ जाएगा जो उत्तराखंड का नया सीएम होगा, उत्तराखंड का नया सीएम एक साल के लिए जो उस कुर्सी को संभालेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की पार्टी है और हम जनता जनार्दन के लिए ही सोचते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब आप नाम भी देखती है हमारी पार्टी का तो जनता और जनतंत्र की पार्टी है। हम कोई परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी नहीं है। दूसरी चीज बता देना चाहते हैं कि देखिए, हमारा जो मान लीजिए कि जनता है, हम जनता के बारे में ही सोचते हैं और जनता ने मुझे हमें चुना है और जनता ने हमें जो है हमारे जनप्रतिनिधियों को चुना है। अगर जनता जो है अगर उस जनप्रतिनिधियों से अगर या नेतृत्व से खुश नहीं है तो जनता जो है सीधे अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है और जनप्रतिनिधि जो है अपने मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और अगर मुख्यमंत्री से वो अगर खुश नहीं है, वैसे ये फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जो पर्यवेक्षक थे वो उनके पास जो हमारे जो कोर कमेटी की बैठक हुई उस बैठक में बताया गया कि जो है हमारे जनप्रतिनिधि जो है मतलब जनप्रतिनिधि उनसे खुश नहीं थे, जिस वजह से जो है ये एक बड़ा एक्शन लिया गया पार्टी की तरफ से। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आज भी जो है अगर हम बात करें रावत जी की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पार्टी से निकले नहीं है, वो पार्टी में ही है। अगर पार्टी उनके कार्यों से अगर वो पार्टी के कार्यों से खुश नहीं है, विमल जी सवाल ये नहीं है कि वो खुश नहीं है कि हैं, इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? केंद्रीय पर्यवेक्षक चौथे पांचवें साल चुनावी साल में पहुंच रहे हैं, देखिए तो आते आते देर कर दी। देखिए, नहीं देर नहीं हुई है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, समय लगता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई अगर आपसे ये चीजों में टाइम लगा है। और दूसरी चीज बता देना चाहता हूँ, देखिए ये कांग्रेस थोड़ी ना है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है और हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी अनुशासित होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2016 की बात करता हूँ, 2016 में जो है आपने देखा किस तरीके से जो है हरीश रावत की सरकार चल रही थी और इन कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही विधायक 10 विधायक जो है उन्होंने जो है बागी हो गए थे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, हमारी पार्टी जो है एक संविधान से चलती है, हमारी पार्टी जो है एक अनुशासन से चलती है और हमारे जो भी नेता होते हैं, जो भी नेतृत्व होता है, वो एक जो हमारी बैठक होती है, हमारी जो कोर कमेटी की बैठक होती है। आप देखिए, किसी भी विधायक मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरपी रतूड़ी जी के पास चलते हैं। सर, स्वागत है आपका। आरपी रतूड़ी जी, 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए, 2016-17 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो अब एक और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो कि दावेदार हैं, अजय भट्ट साहब नैनीताल से सांसद हैं, तब यही था कि एक ही रट, अजय भट्ट, और उसके बाद ये नारा और उसके बाद दूसरा नारा। मुख्यमंत्री साहब जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अब, वो देते थे कि बातें कम काम ज्यादा। तो यहां क्या काम ज्यादा नहीं हुआ, महज बातें हुई, उसका असर अब देखने को मिला, पटाक्षेप हो गया पूरी सियासत का? देखिए जी, ये जो शिकायत लगातार कांग्रेस कर रही थी कि प्रदेश का विकास नहीं हो रहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार का चलन हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर मोहर लगा दी। सवाल विधायकों के असंतोष का था कि केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा के बड़े कद्दावर नेता चौपाल साहब, जो कई बार के विधायक हैं, लगातार अपने हाईकमान से शिकायत कर रहे थे कि हमारे विकास कार्य नहीं हो रहे, हमारे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो असंतोष था, ये बड़ा फूट करके सामने आया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल चेहरा बदलने से उत्तराखंड का भला नहीं, इसमें नीति और नियत और कार्य प्रणाली भाजपा को बदलनी पड़ेगी। जो अभी मेरे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि ये बड़े संविधान से, अरे सवाल ये है, आप जनता द्वारा चुना गए और आज किसानों का क्या हाल है, महंगाई से आपने गृहणियों पे क्या डकैती डाल दी, आपका गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, आम आदमी कितना परेशान है, आपको नजर नहीं आ रहा कि जनता द्वारा चुने गए ही आप? लेकिन आरपी रतूड़ी जी, क्या कर रहे हैं रतूड़ी जी, आप चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए, आप चाहे अब आपको लगे कि आपकी सियासत आसान हो गई होगी, ऐसा है नहीं।
क्योंकि अगर कामकाज को लेकर बात की जाए तो भ्रष्टाचारी का त्रिवेंद्र रावत पर कोई आरोप नहीं है, और ना कोई आरोप आप खड़ा कर पाए जो स्टैंड करता हो। उनकी अपनी पार्टी के अंदर की नाराजगी है, अपने विधायकों के अंदर की नाराजगी है कार्यशैली को लेकर। देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक, बता दे काफी देर से इंतजार चल रहा था। इससे पहले जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे तब उम्मीद जताई जा रही थी कि अब तुरंत रमेश पोखरियाल की एंट्री होगी, लेकिन काफी देर बाद ये एंट्री हुई। लेकिन अब उम्मीद तेज और हो गई है कि वो नाम का ऐलान होगा, अब कौन एक साल तक इस कुर्सी को संभालेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो नाम का इंतजार हो रहा है वो इंतजार कहीं ना कहीं थोड़ी देर में खत्म होता नजर आएगा। बीजेपी दफ्तर पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक और थोड़ी देर में अब विधायक दल की बैठक शुरू भी होने को है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त सुबह सवेरे जो चर्चित नाम सामने आया है वो रमेश पोखरियाल निशंक का है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हरिद्वार से सांसद, एचआरडी मिनिस्ट्री संभालते हैं, नई शिक्षा पॉलिसी को इजाद कर उसे इंट्रोड्यूस करने की कवायद भी उन्हीं के खाते में जाती है। तो ब्रजेश लगातार हमारे पास लाइव अपडेट भेज रहे हैं। ब्रजेश, रमेश पोखरियाल निशंक पहुंच चुके हैं इस वक्त वहां पर, अब क्या अपडेट है इसके बाद से? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब बैठक शुरू हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचेंगे और रमेश पोखरियाल निशंक आखिरकार अब विधायक दल की बैठक में पहुंच गए हैं। और इस बैठक के बाद पहले दरअसल एक प्रक्रिया के तहत एक तरह की कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक जो विधायक दल की बैठक होती है अपने नेता चुनाव मेयर सांसद राज्यसभा लोक सांसद उसके साथ विधायक वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पहले एक कोर कमेटी की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक भी एक तरह से दोनों तरह से कार्यकर्ता की बात है, सबको साथ लेकर के कोर कमेटी की बैठक के बहाने सभी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो सभी को साथ लेकर के यहाँ पर एक सहमति में नाम ऐलान किया जाएगा और उसके बाद विधायक उस पर अपनी मुहर लगा देंगे, यानी विधायकों के जरिए उस पर सहमति जतवा दी जाएगी और उसके बाद ये पूरा नाम का ऐलान हो जाएगा। अब उम्मीद कीजिए कि मुझे लगता है महज आधे पौन घंटे के अंदर आपको देहरादून से एक खबर आएगी और यानी कि उत्तराखंड का आपको नया मुख्यमंत्री आपको जो है मिल जाएगा। अगले आधे पौन घंटे में आपको इस नाम का ऐलान होने जा रहा है। तो अब बस वक्त खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है सबसे बाद में रमेश पोखरियाल निशंक का आना भी कई चीजों को लेकर मैसेज है, क्योंकि निशंक के पहुंचने से पहले जो केंद्र प्रदेश अध्यक्ष है उन लोगों ने विधायकों के सामने या फिर बाकी जो सांसद और बाकी जो लोग हैं उनके सामने इस बात की पृष्ठभूमि रख दी होगी कि निशंक क्यों, अगर निशंक का नाम है तो वो क्यों। ये सबसे बड़ी बात है, बाकी सभी दावेदार यहाँ मौजूद है। ठीक है ब्रजेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगले आधे घंटे में सुबह की सबसे बड़ी खबर आने वाली है, वो आपसे जानना चाहेंगे, पल पल की अपडेट आपसे लेना चाहेंगे।